आज 13 जुलाई 2019 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। देर रात 12:29 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है शाम 4:27 तक और उसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में। आज गंडमूल है शाम 4:27 से और आज वामन पूजा द्वादशी है। आज 13 जुलाई 2019 को सगाई का, व्यापार आरंभ करने का और मशीनरी और वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है। सुबह 5:32 से शाम 4:27 तक। मेष राशि वालों का मन इस वजह से परेशान है क्योंकि आपको लगता है कि हालात ने आपका पूरा साथ नहीं दिया, पर अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटा देने की ज़रूरत है। ज़िंदगी हम सबके साथ आँख मिचौली खेलती है। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, इसलिए ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने की भी ज़रूरत है। अपने काम और अपनी मेहनत से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार में अपनों के प्रति अपने नज़रिए को बदलना होगा, पर अपनों को ज़्यादा समझने की भी कोशिश करनी होगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है, इसलिए अपनों के साथ जुड़ के ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा आपको। वृषभ राशि वालों के लिए काम या कारोबार से जुड़े दबाव हो सकते हैं, ऐसे में अपने आसपास के लोगों के प्रति आशावादी रवैया अपनाना होगा। उन्हें ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो हालात को संभालना भी आसान होता चला जाएगा। अपने साथी सहयोगियों के बनते बिगड़ते विचारों को समझें, पर अपनी बात भी इस रूप से आगे रखें जो उनको समझ में आ जाए। क्या करना चाहिए समय में? किसी नए रास्ते पर चलने से फिलहाल बचना होगा, क्योंकि उसकी वजह से भी आपके दबाव बढ़ सकते हैं। वैसे भी आपने अपने मन में बहुत सारी चिंताएं बिठा रखी हैं जिन्हें दूर कर देने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वाले लोगों पर भरोसा करेंगे तो आपसी तकरार को कम करने में भी मदद मिलेगी, पर किसी भी बातचीत में ऐसे विचार व्यक्त करें जो दूसरों के हित में हों, पर अपनी ही बात को बदलते चले जाने से भी बचें। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति मध्यम हो सकती है, पर ऐसे में अपने भरोसे को जगाए रखने की ज़रूरत है। अपनी मेहनत और अपनी लगन से आप ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। कर्क राशि वालों को सेहत की ओर ध्यान देना होगा और रिश्तों को भी संभालना होगा। अपनों की सेहत के बारे में भी सोचेंगे तो बहुत कुछ करने का और बहुत कुछ संभालने का मौका मिल जाएगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं जिन्हें एक एक करके संभालते चले जाना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसे में अपने बढ़ते हुए खर्चों पर भी नज़र रखनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति ज़्यादा मेहनत मांगती है, इसलिए काम के प्रति अपनी लगन बढ़ानी होगी और नियमित हो जाना होगा। इस बात को समझ लें कि अपने प्रदर्शन को बढ़ा के भी बहुत सारी कमियों को संभाला जा सकता है। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों को लेकर बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। आपकी प्राथमिकता किसी प्यार के रिश्ते की ओर झुकी हुई है, इस वजह से आप अपनों की बात को भी समझ नहीं पा रहे, जबकि ज़रूरत यह है कि हर बात को भली भांति समझा जाए और तभी अपने फैसले किए जाएं। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर को आजमाने के प्रयास में अपना पैसा कहीं फंसाते चले जाने से बचना होगा, पर इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप घर परिवार में अपनों को समझें पर उनसे बातचीत करें ताकि बनती हुई दूरियों से भी बचा जा सके। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हम अपने लिए करते हैं, पर कभी कभी अपनों के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में प्रेरणा जगेगी और आपका नज़रिया आशावादी होता चला जाएगा, इसलिए रिश्तों के प्रति सद्भावना बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की गलत फहमी से बचने के लिए अपने दिल को साफ तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? काम से लाभ बना हुआ है, पर अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा ताकि आपकी अच्छाई उभर कर आए और आप ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकें। तुला राशि वालों की क्षमताएं भी अच्छी हैं और आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा भी है, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच के आप अपने मन को परेशान कर लेते हैं और ये इस समय की कमी है जिसे दूर तो करना ही पड़ेगा। उस अच्छाई की ओर देखें जिसके चलते आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ पाया है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की अच्छाई से फ़ायदा तो होता ही है, पर कभी कभी लोगों की आलोचना से भी फायदा हो जाता है क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे में ज़िंदगी के प्रति आपका तजुर्बा भी बढ़ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है क्योंकि उस दिशा में आपने बहुत मेहनत की है, पर उस अच्छाई को लेके अब अपने मन में भरोसा जगाए रखने की ज़रूरत है। कामकाज से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं, पर वो भी अब धीरे धीरे आपके हित में बनते चले जाएंगे, पर अपने नज़रिए को तो आशावादी बनाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे के लेन देन में बहुत सारी सतर्कता बरतनी होगी। सेहत भी एक ऐसा मुद्दा है जिस ओर थोड़ा सा ध्यान तो देना ही होगा। सेहत को लेकर थोड़ा सा मध्यम समय है, इसलिए अपनी जागरूकता बढ़ाने की भी ज़रूरत है। धनु राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं, पर आपका मन बुझा हुआ है। जिन चीज़ों में आपको जुड़ना चाहिए उनमें भी आप अपने कदम पीछे हटाते चले जा रहे हैं और ये इस समय की सबसे बड़ी कमी है। अपने नज़रिए को थोड़ा सा व्यवहारिक बना लेंगे तो हर चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी।
क्या करना चाहिए समूह में? रिश्तों के प्रति हर तरह की खुशी बनाए रखें, अगर मन परेशान भी है तो उस अच्छाई को देखें जो आपको अपनों से जोड़ रही, ताकि जिंदगी की खुशियां हर तरह से और हर रूप से आपके लिए बनी रहे। मकर राशि वालों से जानकारी के अभाव में गलती हो सकती है, इसलिए पूरी बात को समझने की कोशिश करनी होगी। जल्दबाजी में अपने मन में किसी भी तरह का फैसला करते चले जाने से भी बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपने लिए बचाव का माहौल बना पाएंगे। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार में रिश्तों को संभालने का समय, थोड़ी सी कोशिश करने से बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद संभलती चली जाएंगी। ऐसे में अपनों की ज़रूरतों को भी पूरा करना होगा, हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे से जुड़े दबाव बढ़ सकते हैं और पैसे के लेन देन में भी कोई ना कोई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत है। अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों को भली भांति समझना होगा और अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी थामना होगा, ताकि उन ज़रूरतों को भी समय रहते पूरा किया जा सके। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपने प्रदर्शन को बढ़ाने का समय है। ऐसे में लोगों की सहायता आपको मिलेगी, पर अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा कि आपको अभी भी बहुत कुछ करना है। मीन राशि वालों को अपने कामकाज को नए नज़रिए से देखने का समय है। ऐसा करके आप अपने मन में भरोसा भी जगा सकते हैं और इस बात को भी समझ सकते हैं कि काम को बढ़ावा देने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मुश्किलें ज़रूर हैं, पर मुश्किलों को दूर करने के लिए आपकी मेहनत उभर कर आ रही है।